टाइटैनिक, याद है आपको वो जहाज जिसके डूबने का दर्द आज भी हमारे जेहन में जिंदा है। आज भी उस रात के बारे में सोचकर हम कांप जाते हैं। हाँ, चाहे भले ही उस वक्त हम उस जहाज में नहीं थे जब वो डूबा था, लेकिन उस घटना को सोचकर हमारी रूहें कांपने लगती हैं। अपनी पहली यात्रा के दौरान ही यह खूबसूरत जहाज बर्फ की चट्टान से चकराकर 15 अप्रैल 1912 को समुंदर की गहराइयों में समा गया। और इसी दुर्घटना पर 1997 में हॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई थी। लेकिन अब टाइटैनिक की इस अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए एक नया जहाज बनाया जा रहा है जिसका नाम भी टाइटैनिक है। टाइटैनिक को पानी में डूबे 106 साल हो चुके हैं। अब उसकी हूबहू कॉपी यानी टाइटैनिक बनाई जा रही है जिसे 2022 में समुंदर में उतारा जाएगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस सफर के दौरान जहाज पर करीब 2400 यात्री और 900 क्रू मेंबर्स होंगे। दरअसल टाइटैनिक की पहली यात्रा के दौरान भी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की संख्या इतनी ही थी। सिर्फ देखने में भले ही पुराने टाइटैनिक की तरह होगा, लेकिन इसकी आधुनिक तकनीक और सुरक्षा उपकरणों को नए जमाने के तरीके से डिजाइन किया गया है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक साल 2022 में टाइटैनिक दुबई से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन जाएगा। इसके बाद वह इंग्लैंड से न्यूयॉर्क रवाना होगा। आपको बता दें, यह जहाज उसी रूट से न्यूयॉर्क पहुंचेगा जिस रूट से पुराना टाइटैनिक गुजरा था। टाइटैनिक अप्रैल 1912 में अपने पहले सफर पर निकला था। इसे उस वक्त दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज बनाया गया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस नए जमाने के टाइटैनिक को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। टाइटैनिक को चीन में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ब्लू स्टार लाइन बना रही है। यह प्रोजेक्ट बीते कुछ वर्षों से चला आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का कुल खर्चा $500 मिलियन यानी तकरीबन 37 अरब रुपए बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नए जमाने के टाइटैनिक की इन्फॉर्मेशन जो कि पुराने टाइटैनिक की अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना और इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अभी हमारा बहुत ही छोटा चैनल है, सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दिखाओ ताकि इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए फ्यूचर में ला सकें।